फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ होल एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. द अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, मीन्स इट इज नॉट होल और कंप्लीट, इट इज पार्ट ऑफ होल. और फर्स्ट क्वेश्चन, राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इच. और क्वेश्चन 2/8, एज वी नो अपर पार्ट कॉल्ड न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट डिनोमिनेटर, सो वी राइट न्यूमरेटर एज 2 इज न्यूमरेटर एंड 8 इज डिनोमिनेटर. क्वेश्चन नंबर बी, 5/18, हियर 5 इज न्यूमरेटर एंड 18 इज आवर डिनोमिनेटर. क्वेश्चन नंबर सी, 6/14, हियर द अपर पार्ट विल बी 6, सो इट इज न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट विल बी 14, इट इज आवर डिनोमिनेटर. क्वेश्चन नंबर बी, मेक फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हियर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन, न्यूमरेटर इज 4 एंड डिनोमिनेटर इज 2. टू मेक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैज टू पार्ट, अपर एंड लोअर. अपर पार्ट इज न्यूमरेटर, हियर न्यूमरेटर गिवन 4 एंड डिनोमिनेटर 2, सो फ्रैक्शन विल बी 4/5. क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हियर 1/3, 2/6, 3/9. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज इक्वल टू द नंबर, इक्वल टू द नंबर्स बट इट इज मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर. 1/3 इज 1/3, 2/6 एंड 3 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. व्हेन दे ऑब्टेन इट सिंपलेस्ट पार्ट, इट इज इक्वल 1/3, 2/6, when we divided both side numerator denominator by 2, it will be 1/3, and 3/9, when divided by 3 both side, it will be 1/3, so it will be called equivalent fraction 1, 2, 3, and so we write the table of 1, 2, 3, 4, 5, 6, and again we write the table of 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, so 14/12, 5/15, and 6/18 will be equivalent fraction. When we minimize and get in simplest form, it will be 4 into 4, 4 into 2, 1/3, 5/15, when we divide it 5, it will be 5 into 5, 5 into 15, and when divided it 6 into 6, 6 into 8, it will be 1/3, means it will be